नमस्कार, दिन भर के तमाम और झकास गर्मा गर्म खबरें के साथ मैं हूं पी और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज धड़धड़ा के। तो फिर चलिए बिंदास न्यूज धड़धड़ा के में आपको धड़धड़ा के स्वागत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के तमाम और झकास गर्मा गर्म खबरें। सर, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पे जो एक बहुत बड़ा नदी है ना, वहाँ पे एक लड़का पानी में गिर गया है। जी जी, आप 3 सेकंड रुके, हम 7 मिनट में पहुँच रहे हैं। जैसे कि आपने सुना एक नौजवान पानी में गिर गया है, तो फिर चलिए ये खबर हम आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन लाइव दिखाने से पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। वेलकम टू ब्रेक और ब्रेक के बाद बिंदास न्यूज धड़धड़ा के मैं आपको फिर से तड़तड़ा के स्वागत करते हैं और आपको दिखाते हैं वो जो 18 साल का नौजवान है वो पानी के अंदर कैसे गया, वो पानी के पास आ रहा था कि खुद पानी उसके पास आ रहा था। यही सच्चाई जानने के लिए हम लोग वहीं पर अभी लाइव मौजूद है, आपको दिखाते हैं वो लड़का कैसे पानी के अंदर गया। आपको जैसे कि पता है हमने लाइव आपको दिखाएंगे वो लड़का पानी के अंदर कैसे गया, तो चलिए फिर आपको देख लेते हैं उन लड़का कैसे कैसे पानी में तड़प रहा है वो। देखिए आप देख सकते हैं, आप अभी देख सकते हैं गोलर का पानी के अंदर बहुत तड़प रहा है, लेकिन उसको बचाने के लिए अभी कोई नहीं है। अपनी साइड भी देख सकते हैं कोई नहीं है और इस साइड भी आप देख लीजिए कोई नहीं है। वो लड़का पानी की तरफ कैसे आया यही सच्चाई जानने के लिए उससे कुछ सवाल पूछ लेते, उसका नाम भी पूछ लेते, नाम पता सब कुछ पूछ लेते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। बस आप अपना नाम क्या है? आप लोग देख सकते हैं वो कुकू कह रहा है कि कुछ तो कहना चाहता है, लेकिन उसका नाम क्या है यही हम लोग जानना चाहते हैं उससे। चलिए उससे फिर से पूछता है उसका नाम क्या है। वैसे आपका नाम क्या है, आप बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है? जैसे कि आपने सुना वो कूल कहना चाहता है, मतलब ये तो सच हो गया कि पानी का कोई दोस्त नहीं है, वो खुद पानी के पास चल के आया था, मतलब खुद उसका ही दोस्त होगा क्योंकि उसने खुद कूल होने के लिए इस पानी के अंदर आया था। फिर से कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है शायद वो। जी भाई साहब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने सुना कि हेल्प करता है वो, हेल्प एक ऐसा चीज का नाम है जब इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में गिर जाता है, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में जब पड़ जाता है तब इंसान हेल्प मांगता है, लेकिन इसको हेल्प करने के लिए अभी यहाँ पर कोई नहीं। हाँ, एक ही इंसान है जिसको वो हेल्प कर सकता है, एक ही इंसान है उसको जो हेल्प कर सकता है, और वो है आप। लेकिन आप कैसे हेल्प करोगे? लाइव न्यूज देख रहे हैं। एक इंसान है मैं कैसे कर सकता, मैं तो आपको लाइव न्यूज दिखा रहा हूँ। ये जो 18 साल का नौजवान है ना, इस नौजवान अभी अभी मर जाएगा, आप देख सकते हो बहुत ही तड़प आए, लेकिन हाँ मरने से पहले पूछ लेते हैं कि अभी उसका क्या फीलिंग्स हो रहा है, वो तो अभी मरने वाले हैं लेकिन क्या फीलिंग हो रहा है वही उनसे पूछ लेते हैं। चलिए उनसे पूछते हैं थोड़ा। अच्छा भाई साहब, आप बता सकते हैं आपका अभी कैसा फीलिंग हो रहा है? पहले बता, मेरे जान जा रही है। वो लड़का बहुत ही भेजाल भाव यूज कर रहा है, मतलब वो मुझे बहुत ही भेजाल भाव से कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। लेकिन मरने से पहले हर इंसान का ख्वाहिश होती है जो कि इस 18 साल के नौजवान के पास, तो चलिए फिर 18 साल के नौजवान से पूछ लेते हैं कि इसका ख्वाहिश क्या है। चलिए उनसे पूछ लेते। तो भाई साहब क्या आप बता सकते हैं कि आखिरी आखिरी ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं मेरा गर्लफ्रेंड को देखना चाहता हूँ। जैसे कि आपने सुना किस नौजवान का एक गर्लफ्रेंड भी है, आप सोचिए अगर ये लड़का मर जाएगा तो इसका गर्लफ्रेंड का कितना तकलीफ होगा, आप थोड़ा सोचिए। कोई बात नहीं, थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन मैं हूँ ना, मैं उसको गर्लफ्रेंड को हैंडल कर लूंगा, बहुत कष्ट होगा लेकिन हैंडल कर लूंगा। हाँ जी बोलिए। एक्सीडेंट? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? नौजवान का? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हम लोग अभी आ रहे हैं। जैसे कि आप अभी खबर सूत्र से पता चला है कि एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया है, ये लड़का तो ऐसे ही मर जाएगा, तो फिर इसको मरने देते हैं, अगली जो खबर है उसके साथ हम लोग बात करें। चलिए हम लोग एक्सीडेंट देखते हैं। चलिए जैसे कि हमने अभी अभी सुना एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया है, दूसरी एक्सीडेंट वाले जगह पे हम अभी लाइव मौजूद है और आपको दिखाएंगे वो एक्सीडेंट कैसे हुआ और ये जो नौजवान का एक्सीडेंट हुआ है वो कौन है। तो भी चलिए इस एक्सीडेंट का एक झलक आप देख लीजिए। देखिए किस तरह से लड़का गिरा पड़ा हुआ है। हाँ, एक इंसान दिखाई दे रहा है, एक इंसान दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। क्या भाई साहब बता सकते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ?
जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वो लड़का सेल्फी लेने में व्यस्त है। तो फिर चलिए जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उन्हीं नौजवान से हम पूछ लेते हैं। क्या भाई साहब आप बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? जैसे कि आपने सुना कि ये लड़का अपने जान का भीख मांग रहा है, तो फिर ये इंसान कैसे जिंदा रहेगा? हेलो हनी बनी। हेलो। हाँ बोलिए। चुप चल रहा है, कहाँ पे? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं। जैसे कि आपने सुना कि एक बहुत बड़ा युद्ध आरंभ हुआ है, तो ये लड़का तो ऐसे ही मर जाएगा। तो फिर चलिए इस लड़के को हम मारने देते हैं और फिर उस युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए उस युद्ध की न्यूज आपको हम लाइव दिखाएंगे। चलिए जैसे कि आपने अभी सुना कि एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, तो उसी युद्ध के मैदान पे हम अभी लाइव मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि उस युद्ध का आरंभ कैसे हुआ और युद्ध का असली मकसद क्या है। तो पहले उस युद्ध का सच्चाई जानने के लिए पहले एक बार उस युद्ध की झलक आप देख ले। जैसे कि आपने अभी देखा कि ये बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, तो फिर चलिए इस युद्ध का सच्चाई हम जानते हैं। इस युद्ध के बारे में कुछ सवाल पूछ लेते हैं। क्या भाई आप बता सकते हैं कि ये युद्ध क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब, ये युद्ध नहीं हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा। जैसे कि आपने अभी जाना ये युद्ध नहीं है, ये तो झगड़ा है, तो ये झगड़ा क्यों हो रहा है वही सच्चाई जानने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। क्या भाई साहब आप बता सकते हैं कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब, लड़की का मामला है, आप बीच में क्यों घुस रहे हो? जैसे कि आपने अभी जाना ये जो झगड़ा चल रहा है वो किस लड़की के लिए झगड़ा चल रहा है? तो भी चलिए इस झगड़ा का आरंभ कैसे हुआ हम उनसे पूछ लेते हैं। भाई आप बता सकते हैं कि झगड़ा का आरंभ कैसे हुआ? ओ भाई, आपको लाइव देखना है क्या? जैसे कि आपने अभी देखा कि वो लाइव दिखाने वाले हैं कि ये झगड़ा का आरंभ कैसे हुआ, तो भी चलिए उनसे हम देख लेते हैं कि इस झगड़ा का लाइव कैसे हुआ। जैसे काफी अभी आपने हमारा वीडियो देखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमें आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल का जो घंटा है वो दबा दीजिए। आपको दिखाते हैं, चलिए।